निकली है फकीरों की टोली फकीरा के साथ। छोड़ के सब टेंशन और नौकरी धंधे की बात, ये खुली सड़कें और नजारे जब हों साथ, बस जी लो इन पलों को मस्ती में एक दूसरे के साथ। सबके दोस्त और इस चैनल के होस्ट फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी तक मैंने लद्दाख के वीडियोस अपलोड करना शुरू क्यों नहीं किया है। दोस्तों पहली बात तो ये, आप लोगों को शायद पता है कि लद्दाख के अंदर इंटरनेट नहीं आता है, तो बहुत सारा जो डेटा है वो ऑलरेडी बनके तैयार है, लेकिन उसको एडिट करना और प्रोसेसिंग करना नॉट सो ईजी, लेकिन मैं कर रहा हूँ। और जो बैकलॉग्स हो जाते हैं यहाँ के, जो बहुत सारे काम पेंडिंग थे वो सब ऑलमोस्ट अभी मैंने फिनिश कर लिए, थोड़े बहुत हैं वो हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि अब मैं टाइम टू टाइम ये पूरी सीरीज जो है ये अपलोड करने वाला हूँ, और इसको एडिट भी करने वाला हूँ। जैसे जैसे एडिट करता जाऊँगा वैसे वैसे अपलोड करता जाऊँगा, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। लद्दाख की पूरी सीरीज, ये 2019 का जो सीजन था, जून बैच जो था, 17 जून को जो हम गए थे दिल्ली से, इसका पूरा जो राइड जो रहेगा, पूरा जो एडवेंचर रहेगा, वो सीरीज अब आपके सामने बहुत ही जल्दी आने वाली है। रही बात सेकंड बैच की, वंदे मातरम राइड, तो दोस्तों उसकी बुकिंग ओपन है। बहुत सारे लोगों ने 4-6 महीने पहले से ही बुकिंग करवा रखी है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई है सोच रहे हैं, तो वो वंदे मातरम राइड जो हमारा रहेगा 9 अगस्त दिल्ली से निकलेगा, वो भी 14 डेज का राइड है, 3600 किलोमीटर का राइड रहेगा, उसकी बुकिंग ओपन है, उसमें आप बुकिंग करवा सकते हैं। उस बैच की जो खासियत है वो सिर्फ इतनी सी है कि बोल के बताना मतलब मुश्किल होता है, वो इमोशनल खासियत है उसकी, कि उसमें हम 15 अगस्त जो आने वाले टाइम में आने वाला है, हमारा इंडिपेंडेंस डे जो आने वाला है, वो हम खार दुंगला टॉप के ऊपर मनाते हैं, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको हम वहाँ पे फहराते हैं और राष्ट्रगान करते हैं। तो इसलिए उस राइड का नाम जो है वो है वंदे मातरम राइड। तो जिनको भी उस राइड के अंदर बुकिंग करवानी है, मैं अपना जो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर वो यहाँ पे दे देता हूँ, इस पर सिर्फ आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए जिससे मैं आपको आइटनरी भेज सकूँ। कॉलिंग मत कीजिए, पहले आइटनरी पूरी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ सवाल है तो फिर आप मेरे को उसमें फोन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें पूछने, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आप मेरे से पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले आप कॉल मत कीजिए, पहले उस पर सिर्फ लद्दाख और आपका नाम लिखे मैसेज कर दीजिए जिससे मैं आपको वो आइटनरी जो है पूरी फॉरवर्ड कर दूँ। दोस्तों एक कहावत है, हिम्मत है मर्दा तो मर्द दे खुदा, जिंदगी दोस्तों जीने का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। तो जो भी आपकी जिंदगी है आप उसको सोच के समझ के परेशान होके मत गुजारिए, हैपनिंग रहिए अपनी जिंदगी को पूरा। जितना मैं चाहता हूँ, जितना मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि अपनी जिंदगी की जितनी भी पल है उनको आप जिए, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की, टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, होने वाला जो होता है वो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है, और ऊपर वाले की स्क्रिप्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता है। तो हमारी ये जो जिंदगी है इसमें जितनी भी पल है, जैसी भी पल है, बस इनको आप पूरी तरीके से जिए। ऐसा ना हो कि बस आपकी उम्र निकल जाए और आप बाद में सोचे कि यार ये जिंदगी में जी ही नहीं पाया, अपने टाइम रहते मैं ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था। जो भी पल, जो भी मोमेंट, जैसे भी जिंदगी आपके सामने आ रही है, इसको जी भर के जियो। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।